क्वेश्चन इसी के टेस्ट में ये सारी एमसीक्यूज जो आई हैं खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक की वो मैं बता रहा हूँ. एक तो ये आता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ. एक आती है स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया. और एक कहलाती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रॉस से जाहिर करते हैं, क्यू अपॉन वॉल्यूम. सरफेस वाली को हम सिग्मा से जाहिर करते हैं और लीनियर को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं. इसी तरह ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है. कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में तो ऐसे खैर ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज. इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है. न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर. और इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का भी होता है. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को ही के अपॉन क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर पे लिख सकते हैं. और ये के होता है 1/4 π ε0. तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के फॉर्मूले हैं. एमसीक्यूज आई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू ऑप्शन ए ये था, ऑप्शन बी ये था, ऑप्शन सी ये था, आंसर ऑल ऑफ देम. ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस के वाले से एक सवाल आया है कराची यूनिवर्सिटी में, डब्ल्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाई के अपॉन क्यू आर 1/4 π ε0/Q/R. फिर बता रहा हूँ अगर कोई सवाल कराची यूनिवर्सिटी में आए तो आप बाकी नर्स वाले बातों को, ये तो कराची यूनिवर्सिटी में आया है तो एनईडी में आए भाई. बात ये है कि फिजिक्स की एमसीक्यूज है, किसी भी टेस्ट में आ सकती है. मैंने निकाले वो सवाल हैं जो सारे कराची यूनिवर्सिटी में आए, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल इनमें से नर्स में एनईडी में भी आ चुके हैं और आ भी सकते हैं आइंदा भी. एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू वन अपॉन क्यू टू आर स्क्वायर. ये कौन सा फार्मूला है, कूलम्स लॉ का. कभी चार्ज चाहिए होता है, न्यूमेरिकल आता है, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाता है एफ आर स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या के बराबर होता है 1/4 π ε0. अब मेरे भाई एप्सिलॉन नॉट होता है रिलेटिव परमिटिविटी, के से मरा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो होता है, के का एक और नाम भी होता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी. और ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ये होती है 8.85×10⁻². यूनिट उल्टे हो जाएंगे, के का क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका देखें कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. किसका, एप्सिलॉन नॉट का, जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है मेरे भाई, ये तीन एमसीक्यूज तकरीबन हर टेस्ट में आ चुके हैं. एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली क्लोज चार्ज प्लेट केस नंबर 1. नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज एस. और नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर व्हेन 1 माइक्रो चार्ज आर प्लेस एट इट ईच कॉर्नर एस. इन तीनों का आंसर क्या है बच्चों, 0. और अगर इनका आंसर आपने 0 नहीं लगाया तो आपका 0 आ जाएगा. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज प्लेट शीट्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर व्हेन 1 माइक्रो कूलम चार्ज आर प्लेस एट इट्स ईच सेंटर कॉर्नर एस. इन सब के आंसर क्या होंगे बच्चों, 0, 0 और 0. तो ये वो एमसीक्यूज हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर से कराची यूनिवर्सिटी में आई हैं. मजीद भी मैं बता चुका हूँ, मजीद बताता रहूँगा. कराची यूनिवर्सिटी वालों को भी कहता हूँ जो एनईडी के पास पेपर का सलूशन है उसकी प्लेलिस्ट देखें, नस के पास पेपर के सलूशन की प्लेलिस्ट देखें, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, आई क्यू की, जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट देखें. यही सारे सेक्शन हैं जो आने, जी जी के और आई क्यू मिक्स आती है कराची यूनिवर्सिटी में.